बच्चों वेलकम। बच्चों आज प्रकाशिक यंत्र में आपको हम दूर बिंदु बताएंगे। दूर बिंदु वह दूरतम बिंदु जिसे बिना समझन क्षमता के देखा जाता है उसे दूर बिंदु कहते हैं। वह दूरतम बिंदु जिसे बिना समझन क्षमता के देखा जाता है उसे दूर बिंदु कहते हैं। अब इसमें दूसरा पॉइंट आता है कि दृष्टि दोष क्या है। नेत्र लेंस में उत्पन्न होने वाले दोष को दृष्टि दोष कहते हैं। जो हमारा मनुष्य का नेत्र होता है, नेत्र लेंस के अंदर जो दोष उत्पन्न होता है उसे निकट दृष्टि उसे दृष्टि दोष कहते हैं। प्रायः ये चार प्रकार के होते हैं, कल मैंने ये बताया था, लेकिन आज ये इसके मैं प्रकार बता दिए हैं। और इसमें पहला पॉइंट होता है निकट दृष्टि दोष। इसमें नेत्र निकट की वस्तु को स्पष्ट देख सकता है लेकिन दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता, ऐसे दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। जैसे आपको ये डायग्राम में बताया है, जो दूर से आ रही है तो उसका प्रतिबिंब पहले बन जाएगा, जो पास से है तो उसका प्रतिबिंब रेटिना बना। जब पास की वस्तु रेटिना बनती है, दूर का जो दूर से किरणें आ रही हैं वो रेटिना से पहले बनता है, इसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इसके दोष के मुख्य दो कारण होते हैं। एक तो नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या बढ़ जाने के कारण फोकस दूरी कम हो जाती है। दूसरी, नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है जिससे आर बढ़ जाती है। तो दो कारण हो गए। इन दो कारणों को समाप्त करने के लिए इसका हम निवारण करते हैं। वो निवारण क्या होता है? इस दोष को दूर करने के लिए चश्मे में अवतल लेंस लगा करके इसे दूर कर सकते हैं। तो हमने देखो, अब एक आई के सामने एक अवतल लेंस रख दिया और ये दोष खत्म हुआ और ये प्रतिबिंब हमारा रेटिना पर बना। ठीक, अब इसमें दूसरा दोष होता है निकट दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष क्या होता है? इसमें नेत्र को दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, ऐसे दोष को दूरदृष्टि दोष कहते हैं। जैसा आपको डायग्राम में दिखाया, दूर से आने वाली किरणें जो रेटिना के बाद बनती है, वो रेटिना से पहले बनती है, रेटिना के बाद जो रेटिना के बाद बनती है उसे दूरदृष्टि दोष कहते हैं। इसके दो कारण हैं, इसके मुख्य दो कारण हैं। नंबर एक, नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या कम हो जाती है, और दूसरा, नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाती है। बीच की दूरी कम हो जाने से गोलक का व्यास कम हो जाता है, वक्रता त्रिज्या कम हो जाती है। इस कारण से वक्रता त्रिज्या कम होगी तो फोकस दूरी बढ़ गई तो आगे प्रतिबिंब बन गया। इसके दो कारण होते हैं। अब इसका निवारण कैसे किया जाए? तो इसमें क्या करते हैं, चश्मे में हम जो है उत्तल लेंस लगा करके इस दोष को ख़त्म कर देते हैं। इस प्रकार से अब इसके बाद आगे चलते हैं, उसको ध्यान से सुने। ओके, हेलो बच्चों, कल मैंने आपको ये समझा रहा था लेकिन आज इसको दोबारा से एक बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि इम्पोर्टेंट है और इसको समझ में आ जाएगा तो आप आराम से तैयार कर सकते हो। ये एक बेलनाकार धातु की नली होती है, इसका आगे का सिरा छोटा होता है। इसमें हम उत्तल लेंस लगाते हैं जिसे अभिदर्शक लेंस कहते हैं। इसके सामने वस्तु रखी होती है ए बी, इससे दो किरणें आती हैं और इन किरणों से प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनता है जो कि उल्टा और छोटा वास्तविक होता है। इस लेंस के लिए, ये नेत्र जो लेंस होता है इसे नेत्र का लेंस कहते हैं और इसके लिए वस्तु का कार्य करता है और इसका इस लेंस के द्वारा इसका प्रतिबिंब ए डबल डैश बी डबल डैश न्यूनतम दूरी डी पर बनता है। ये इसके प्रतिबिंब की बनने की घटना है। अब देखिए, इसमें हमें ये क्या है, सूक्ष्मदर्शी का नामक चित्र आपका बता दिया, वैनारिक बता दिया इसका। माना सूक्ष्म वस्तु ए बी एल ओ से यू नॉट दूरी पर रखी है। यू नॉट दूरी ये हो गई, एल नॉट ये हो गया, से रखी है तो इसका वास्तविक उल्टा बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो यह एली के लिए वस्तु का कार्य करता है और एली के द्वारा ए डैश बी डैश का बड़ा आभासी सीधा प्रतिबिंब बनता है जो ये वाला। ठीक, अब ये ऐसे बना क्यों, उसके किस कारण से? आवर्धन क्षमता के कारण बना। तो आवर्धन क्षमता हम जानते हैं, आवर्धन जो क्षमता होती है
टेन थीटा तो वन होती है ए डैश बी डैश अपॉन ई ए डैश बीच कल टू ये वैल्यू हो जाती है बी के बार बी डैट जो वी नॉट अपॉन यू ई। दूसरी को टेन एल्फा ए बी अपॉन डी अथा एल्फा यू नॉट अपॉन डी। इन दोनों टेन बीटा जो हमारे एल्फा बीटा का मान हमारे होते हैं एम बराबर में एम का मान होता है बी अपॉन एल्फा, तो मैं बी का मान रख दिया एल्फा का मान रख दिया, जो इक्वल चीज़ थी उनको एक साथ लिख लिया और जो हमारी अलग अलग थी उनको हमने एक साथ लिख दिया। ए डैश बी डैश ए बी की वैल्यू है वी नॉट यू नॉट, डी को डी रहने दिया और ये डैश होती है नेत्र का लेंस की दूरी यू ई। ठीक, ये आवर्धन क्षमता निकलेगी। अगर इसमें कंडीशन आती है जब प्रतिबिंब न्यूनतम दूरी डी पर बनता है तो नेत्र का लेंस वी बराबर माइनस डी यू बराबर यू ई एफ बराबर एफ ई, तो नेत्र लेंस की फोकस दूरी का सूत्र लगा देंगे वन अपॉन एफ ई इजकल टू वन अपॉन डी प्लस वन अपॉन यू ई। अब इसमें हम डी से मल्टीप्लाई कर देंगे यू अपॉन डी अपॉन यू ई को एक तरफ कर देंगे बाई को एक तरफ कर देंगे इसकी वैल्यू को यहाँ रख देंगे। तो समीकरण एक तथा दो से आवर्धन क्षमता एम डी बराबर वी नॉट अपॉन यू नॉट माइनस एम वन प्लस डी अपॉन एफ ई, लंबाई होती है वी नॉट अपॉन यू ई। जब प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो यू बराबर एफ ई होता है, तो उसमें आवर्धन क्षमता आवर्धन जो क्षमता होती है वो अनंत में आवर्धन क्षमता एम डी बराबर वी नॉट माइनस वी नॉट अपॉन यू नॉट डी अपॉन एफ ई होती है। इसकी लंबाई हमारी होती है वी नॉट प्लस एफ ई। इस प्रकार से कंप्लीट हो गया, इसे अच्छी तरह तैयार करना है और याद करना है और ये एग्जाम में आएगा, इसे आप अच्छी तरह तैयार करें। ओके, इसके बाद कल